हेलो रेडमी नोट 4 यूजर्स, क्या हाल चाल है। आज आपके लिए बहुत 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 बड़ी 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 गुड न्यूज लेके हाजिर हुआ हूँ। तो बस वीडियो को फुल वॉच करते रहे, फुल डिटेल मिलने वाली है इस रोम की और क्या क्या गुड न्यूज आपके लिए है जो कि मैं आपको देने वाला हूँ आगे आने वाले टाइम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाई वन करके। वीडियो को फुल वॉच करते रहना, मैं आपको बीच बीच में बताता रहूंगा कि क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलने वाली है फिलहाल Redmi Note 4 के लिए। तो सबसे पहले मैं आता हूँ इस MIUI 11 के बीटा के लेटेस्ट पोर्ट 5 के ऊपर, जहां पे आपको बिल्ड नंबर देखने को मिलता है MIUI का, जो कि Xiaomi EU के थ्रू है 9.10.24 यानी 9.10.24 बीटा वर्जन एंड्रॉयड 5 के ऊपर ये बेस्ड आपको मिलता है। 1 month ओल्ड यहाँ पे सिक्योरिटी पैच है जो कि 2019.91 का है। यहाँ पे अगर इसके लेटेस्ट फीचर्स की बात की जाए तो जो ये बिल्ड नंबर है इसके हिसाब से जो भी लेटेस्ट फीचर्स आते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। बाकी तो ऑल MIUI 11 के फीचर्स मैंने आपको ऑलरेडी जो एक्सप्लेन कर दिया कि क्या कुछ हमें देखने को मिलता है। तो वन बाई वन करके हम देखेंगे यहाँ पे क्या है क्या नहीं है, ठीक है। और गुड न्यूज ये है कि यहाँ पे बहुत सारे रोम्स आ चुके हैं सेम बिल्ड नंबर के साथ अलग अलग के थ्रू, MI रोम का, MI ग्लोव का, MI EU का और बाकी अलग अलग मेंटेनर के थ्रू भी आया है। तो सबकी वीडियो आपको वन बाई वन करके बैक टू बैक मिलने वाला है। लेकिन उससे भी अच्छा एक और न्यूज है जो मैं आपको देने वाला हूँ। पहले चलते हैं अब आगे की ओर वीडियो में। तो यहाँ पे ये सारे फीचर्स आपको मिलते हैं। डार्क मोड का फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है लोगों को, ये काम कर रहा है या नहीं। तो आपका डार्क मोड यहाँ पे वर्किंग है, कोई भी इशू यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। रीडिंग मोड इंपॉर्टेंट होता है तो ये भी आपका वर्किंग है, ये भी आपको देखने को मिल जाता है जो कि वर्केबल है। बाकी कौन वाले सारे फीचर्स मिलते हैं। होम स्क्रीन पर अगर आप आते हो तो यहाँ पे होम स्क्रीन में मिल जाता है रेगुलर और ऐप ड्रॉवर, ये दोनों यहाँ पे दिया गया है तो ये प्लस पॉइंट आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप गूगल कार्ड को इनेबल कर सकते हो, ऐप वैलेट रख सकते हो और नन कर सकते हो, तो ये चीजें देखने को मिलती है। स्वाइप अप और यहाँ पे आपको रो एंड कॉलम मेंटेन देखने को मिलता है जो कि 6:7 तक रखा गया है। यहाँ पे आपको मिल जाता है आइकन शेप, इसे देख के याद आएगा पोको के लॉन्चर का। तो मैंने कहा है ना कि भाई पोको लॉन्चर को किल करने की तैयारी हो रही है, बट भाई पोको लॉन्चर यहाँ पे है और ये जो लॉन्चर डिफॉल्ट आ रहा है ना मेरे नजर में यहाँ पर है। तो आप बताना कि आपके लिए कितना डिफरेंसेस है दोनों में और आपको कौन सा पसंद आता है, पोको का लॉन्चर या इसका डिफॉल्ट का ऐप ड्रॉअर। मुझे तो भाई कहीं से भी ये पसंद नहीं आता है, ये मेरा ओपिनियन है बट हर किसी की पसंद अलग अलग होती है। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको कौन सा पसंद है। यहाँ पे आते हैं तो आपको वीडियो प्रोफाइल का ऑप्शन देखने को मिल जाता है जो कि आप सेट कर सकते हो अपने होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन पे, लेकिन इनकमिंग कॉलिंग के लिए काम नहीं करेगा। क्यों काम नहीं करेगा, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ चाइना में देखने को मिलता है, बाकी EU, MI रूम और ऑफिशियल ग्लोबल वगैरह 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 में देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे जो आपको एक कुरियर रिलेटेड ऑप्शन देखने को मिलता था जिसके रिंगटोन्स काफी ज्यादा मुझे पसंद आए थे, वो ऑप्शन गायब हो गया है पिछले कुछ दिनों से, तो किसी भी रूम में देखने को नहीं मिल रहा है। आगे की ओर आते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाता है और कहाँ पे क्या कुछ नया था, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे आपका फेस अनलॉक परफेक्ट वर्किंग है, फिंगरप्रिंट में कोई भी इशू देखने को नहीं मिलता है। तो फिंगरप्रिंट भी मेरा वर्किंग है, अगर आपका डेड होता है तो मुझे बताना कि आपका काम नहीं कर रहा है। मैं हो सके तो एक पैच मेंटेन करूंगा, कोशिश करूंगा कि वो पैच आप यूज करके देख पाओ कि आपका फिक्स हुआ या नहीं, तो आप बताना, उसके बाद ही मैं मेंटेन करने वाला हूँ, ऐसे मेंटेन नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे जहां तक पता है कि फिंगरप्रिंट बिल्कुल ही फिक्स हो गया है। यहाँ पे आपको अल्ट्रा बैटरी सेविंग ऑटोमेटिक टास्क मैनेजर बैटरी सेवर भी मिलता है, ऐप ड्रॉअर वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, यहाँ पे भी सारी चीजें मिलती है, बट फुल डिस्प्ले का जो फीचर्स हमें मिल जाता है वो यहाँ पे नहीं है। तो उसके लिए आपको बिल्ड प्रो को एडिट करना होगा उसे इनेबल करने के लिए, अगर आप चाहते हो इनेबल करना, तो अदरवाइज आप ऐसे भी यूज कर सकते हो, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कैसे इनेबल करना है, मैंने सेपरेट वीडियो दे रखा है। यहाँ पे अभी तक आपको जो स्क्रीन टाइम देखने को मिलता है जो कि बिल्कुल ही लेटेस्ट आता है, बट ये हट चुका है, अब हमें डिजिटल वेलबीइंग देखने को मिल रहा है जो कि हमें कस्टम रोम पे दिखाई देता था, तो जल्दी वो भी हमें देखने को मिल जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट गुड न्यूज के ऊपर कि यहाँ पे जो पोको का एक रोम आया था EU का स्टेबल बिल्ड, वो सेम रोम को पोर्ट किया गया हमारे Redmi Note 4 के लिए, जिसकी वीडियो आपको मैं देने वाला जल्द ही। यहाँ पे देख सकते हो जैसे ही मैंने यहाँ पे कार्ड को डिसेबल किया है होम स्क्रीन ब्लैंक हो गया है। तो ये सिर्फ इस रोम का प्रॉब्लम नहीं है, ये इस बिल्ड का प्रॉब्लम है, इस बिल्ड के जितने भी रोम है सब में आपको ये चीजें देखने को मिलेगी। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको एक बार लॉक करना होगा अपने फोन को, दोबारा फिंगर से अनलॉक करना है, इसके बाद ये शो हो जाएगा। अगर हम आते सिक्योरिटी के ऊपर तो सिक्योरिटी भी बिल्कुल ही लेटेस्ट मिलता है। तो किसी किसी रोम पे मुझे हमेशा देखने को मिला है कि यहाँ पे जो कलर्स है काफी ज्यादा बोल्ड दिखाई देते हैं, तो किसी किसी पे काफी ज्यादा जो लाइट दिखाई देते हैं, ये इसके कलर इन्हेंसमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो कभी कभी कलर्स आपको काफी अच्छे मिल जाएंगे पोर्ट रोम में, तो कभी कभी आपको कम देखने को मिलता है।
इसका जो वीडियो शूट है वो आपको 4K 30 FPS पे रिकॉर्डिंग अवेलेबल प्रोवाइड करता है, तो आप वीडियो शूट कर पाओगे 4K 30 FPS के ऊपर। पोर्ट्रेट का बग तो आपको मिलता ही मिलता है, तो उसके लिए आपको जीकेम यूज करना होगा, जीकेम परफेक्ट काम करता है। इसका रहा अनटूटू का स्कोर कि क्या है, तो अनटूटू का स्कोर हमें मिला है 79609 का, जिसमें आप नॉर्मल पबजी वगैरह प्ले कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे कलर काफी ज्यादा इनहेंस किए गए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे पबजी में जो ग्राफिक्स है ना, उसमें आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है कलर्स को देख के। तो बस आपको ग्राफिक्स को फिक्स करना है, कैसे करना है मेथड मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया है, या फिर आप GFX नाम का एक टूल है उसका यूज कर सकते हो ग्राफिक्स फिक्स करने के लिए। ये पहले से आपको रूटेड मिलता है, अगर आप अनरूट करना चाहते हो तो यहाँ से अनरूट कर लो, अगर बूट लूप जाएगा तो भाई आप समझना क्या होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट गुड न्यूज ये है कि जितने भी वीडियो मैं आपको देने वाला हूँ वो मुझे तो मिला है, लेकिन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा अपने सेकंड चैनल पे जो कि टेक गेम्ड है। अगर आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन को इनेबल कर लेना, क्योंकि अभी 4-5 कंटिन्यू वीडियो आने वाली है एंड्रॉयड 10 का, वो भी ऑफिशियली रेडमी नोट 4 के लिए और MIUI के बहुत सारे स्टेबल और बीटा के पोर्ट रूम, तो सभी वीडियो इसी पे आपको मिलेंगे। तो बस इस चैनल को सब्सक्राइब करके स्टे ट्यून करना है, ताकि जब भी कोई वीडियो आए आप उसे खट से देख पाओ, फट से वॉच कर पाओ और झट से डाउनलोड करके मजे ले पाओ, तो आपको इनेबल करना जरूरी है। और टेक ऑफिस को लीव नहीं करना है भाई, इस पे भी आपको वीडियो मिलेगी, क्योंकि अभी जो वीडियो मैं दे रहा हूँ आपको टेक ऑफिस में ही देख रहे हो आप, ठीक है। तो इसे भी लीव मत करना, क्योंकि यहाँ पे नोटिफिकेशन मिलेगी और कुछ कुछ चीजें इस पे भी आएगी, कुछ चीजें उस पे भी आएगी। यहाँ पे जो थीम स्टोर दिया गया है ये बिल्कुल ही लेटेस्ट आता है, ये भी काम करता है, इनमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं आती है, आप थीम भी यहाँ पे यूज कर पाओगे। तो ओवरऑल यहाँ पे बग की बात की जाए तो वो मुझे नन लगा है, लेकिन यहाँ पे जियो का वीडियो कॉल सपोर्ट नहीं है, तो आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कॉलिंग मिलती है जियो से, वीडियो कॉल का सपोर्ट नहीं। उसके लिए आपको व्हाट्सएप वगैरह का थर्ड पार्टी ऐप का है जो यहाँ पे हेल्प लेना पड़ेगा। यहाँ पे राउंड कॉर्नर वाला यहाँ आपको जो देखने को मिलता है डायल पैड वगैरह, तो ये रहा इसका क्यूब डिटेल। और सेकंड चैनल पे आप बने रहे, क्योंकि भाई बहुत सारी वीडियो उस पर आपको देखने को मिलने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय। और ये रोम कैसी लगी, मैंने जो आपको गुड न्यूज दी है वो कैसा लगा कमेंट में जरूर बता के जाना, ओके।